I'll do this. 3, 2, 1, done. Lovely. 3, 2, 1, done. 2 and 1. आज हम देखेंगे डिविएटेड नेजल सेप्टम यानी टेरा नाक जिनका होता है वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट थ्रू कैसे हम ट्रीट करते हैं। प्रॉब्लेमটা কি যার জন্য আমার কাছে এসেছিলেন প্রথম মাথা ব্যথা হতো কতদিন ধরে মাথা ব্যথা হচ্ছে অনেক দিন আপনার যে নাকটা একটু ব্যথা সেটা কি করে আপনার এই ডায়াগনোসিস হয়েছে শিলচরে ডক্টর দেখিয়েছি তারপর উনি उनको देखा गया कि नेजल डिविएशन या सेप्टम जो होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा है। आपने कोथाय थाकें शिलचर आशा में। ट्रीटमेंट के पहले हम देख लेंगे तुरंत कि उनका एक्सरे क्या बताते हैं। आइए मेरे साथ। सीइंग द एपी व्यू ओपन माउथ ऑफ द एक्सरे यू कैन सर्टेनली सी यहाँ पे एक लेफ्ट साइडेड जो ये सेप्टम है ये टेढ़ा है तो हमको ये चीज थोड़ा सा सीधा करना है राइट ओवर हियर टू डू अ लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट ऑन द सर्वाइकल स्पाइन। देखिए रिलैक्स मां रिलैक्स लिवली थोड़ा डिकम्प्रेशन जल्दी से हो गया ये। आई कैन फील दैट द स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड एंड द स्केलिन मसल्स ऑन बोथ साइड्स राइट मोर देन लेफ्ट पूरा स्पैजम या टाइटनेस है और उनका थोड़ा सा पीठ जो है हंच्ड बैक है सो वी हैव टू करेक्ट हर पॉस्चर ऑल्सो विल गिव हर एक्सरसाइजेज ऑन हाउ टू मेंटेन द पॉस्चर एज वेल। तो हम थोड़ा सा ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट उसको सेट करते हैं या रीसेट करते हैं। देयर यू गो ऑन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट क्योंकि वो थोड़ा सा एंटीरियर है मतलब आगे की तरफ है। लूज 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 वेरी गुड मा लूज 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 डन दारून दैट वॉज ऑसम। ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट उसको रिसेट करते हैं उसके बाद नाक के आसपास चले जाएंगे। ढीला माँ लूज ऑन द अदर साइड ग्लेनोह्यूमरल जॉइंट देरी गो एंड देन एस सी जॉइंट लवली रिलैक्स थोलका से क्लॉक वाइज एंड काउंटर क्लॉक वाइज मोशन करके उसको रिलीज किया जाता है। लिटिल बिट ऑफ काउंटर प्रेशर लुक हैट हर एक्सप्रेशन इसमें ही पता चल रहा है कि सबॉक्स कहाँ पीछे है उसका भी हम सेल्फ ट्रीटमेंट बता देते हैं सिखा देते हैं ताकि पेशेंट वो घर जाके खुद से कर पाए। एंड यू कैन ऑल्सो सी मैनी ऑफ माई सेल्फ ट्रीटमेंट वीडियोज दैट यू कैन सर्टनली वर्क एट होम एंड ऐसे ऑल राइट विल डू अ लिटिल बिट ऑफ ऑस्टियोपैथिक टेक्निक होल्ड इट ओवर हियर कंप्रेस एंड लिफ्ट द फ्रंटल बोन इज एक्सट्रीमली हेल्पफुल इन हेड एक पेशेंट्स ऑफ हेड एक वर्टिगो डिजीनेस जिनका नोजिया वॉमिटिंग होता है बहुत 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 ज़्यादा हेल्पफुल है ये। एंड आई विल डू दिस देयर यू गो होपफुली यू हर्ड दैट एंड विल डू पैराइटल ऑल्सो उसका कंप्रेशन अलग से होता है एंड द लिफ्टिंग टेक्निक इज ऑल्सो अ लिटिल बिट डिफरेंट दैन फ्रंटल। हम थोड़ा सा ढीले करके एंड 3, 2, 1 डन वेरी गुड लवली ऐसे करके 3, 2, 1 डन। हम थोड़ा सा अभी इसको प्रेशर देंगे अगेन यहाँ तक बोन है यहाँ से यहाँ तक कार्टिलेज है तो हम कार्टिलेज को ठीक करने का कोशिश कर रहे हैं। बोन को तो ठीक कर नहीं पाएंगे शी इज़ ऑलरेडी एन अडल्ट शी इज़ ऑब्वियसली अ मदर सो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर हर टू रीसेट द बोन कंजर्वेटिव दैट्स नॉट पॉसिबल। This is another different technique. 3, 2, 1, done. Chok bando. We'll do a little bit of bone. So this basically does not straighten the bone essentially, but helps whatever, however we have set to maintain that setting or position of the cartilage. The bridge itself. We are trying to unclog the bridge so that the gooey material inside jo andar mein hai wo dheere dheere khul jaye and we should be done 2 and 1 acupressure point which I like to do press it over here sinusitis jinka aur ya nasal jinka blockage zyada tar hota hai ye pressure point hai lagega ki aapka nose se drip ho raha hai and we push it on the other side hold it for a few seconds not even a minute a few seconds cartilage jo hai wo bhi dheere dheere seedha hone ka koshish karega and I think if you look
rewind the video, look at her nose and look at her nose now. It's completely straight line from here to here. আপনার নিঃশ্বাস নিতে এখন কেমন ফিল মনে হচ্ছে? ভালো। ফ্লোটা নিঃশ্বাস যাচ্ছে আসছে। পহলে ইয়ে वाला थोड़ा सा छोटा था because ये deviated था बाया तरफ से, इसीलिए होल छोटा था। बट इतना अच्छा मुझे लग रहा है कि करके हो गया। आई एम वेरी वेरी सैटिस्फाइड एंड वी डू दिस टू सी स्माइल, टू ब्रिंग स्माइल इन पेशेंट्स फेस। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फिट स्टे हेल्दी।